हेलो बेबीज, वेलकम बैक इन आवर मैथ्स क्लास। टुडे टीचर इज गोइंग टू टीच यू फ्यू मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 51 टू 100। ये सिर्फ एक रीज़न है, ऐसा करने का रीज़न बहुत छोटा सा है कि अब हमने जो एक साथ नंबर पढ़ लिए हैं 1 से लेके 100, तो अब हमें देखना है कि क्या हम उन्हें प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, क्या हमें वो अच्छी तरह से लर्न है। अगर लर्न है और इस तरह से जंबल करके आपको दिया जाए तो क्या आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, और अगर आप अच्छी तरह से लिख लेते हैं इसका मतलब आपको आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मिसिंग नंबर 51 से लेके 100 तक का। तो टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक नाउ, राइट ऑन टॉप क्लास वर्क एंड डेट, एंड नाउ विल राइट मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। Parents, please see, I'm giving this much only. You can give so many numbers, जैसे मैंने 51 दिया है, 52 आना है यहाँ पर, 53, तो आप उसको बहुत ज़्यादा करके भी, ब्रॉड बनाकर भी दे सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो मिसिंग नंबर्स कुछ इस तरह से है बेबीज, देखिए ये है हमारा 5151। तो 5151 के बाद क्या आता है, 5 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 5 वाला रो है, लेकिन 1 के बाद आता है 2। तो इसी तरह से 5151 के बाद क्या हुआ, 5252, उसके बाद 5353। अब 5353 है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए 5454, क्योंकि आप देख पा रहे हो बेबीज कि आपका ये जो रो है 5 से स्टार्ट हुआ है, ये 5 वाला रो है, इसीलिए 5 के बाद 1 है, तो यहाँ 5 के बाद 2, यहाँ 5 के बाद 3, यहाँ 5 के बाद 4, है ना। तो 51 52 53 54, आ गया सीक्वेंस, है ना। उसी तरह से नीचे देखेंगे तो 55 55, तो 55 के बाद क्या आता है, 55 के बाद आता है 56, 56 के बाद आता है 57, लेकिन 57 के बाद क्या आता है, 58, ओके, और 58 के बाद 59। अगर 59 यहाँ आता है तो 59 के बाद क्या आएगा, 60 60, क्योंकि अभी 6 वाला लाइन चालू हुआ है। अगर हम यहाँ देख सकते कि 60 है, मतलब इसके बाद अगर 6 का कोई भी नंबर आता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा उसके पीछे 1 2 3 लिखना ही पड़ेगा, यानी कि अगर 6161 आया तो उसके पीछे क्या लिखना पड़ेगा, 6262, ईजी, है ना। अब ये देखिए जैसे 65 है, तो अगर 6 वाली सीक्वेंस है ये, तो यहाँ 6 तो आ गई, लेकिन ये 5 हो चुका है, तो 5 के बाद क्या आता है, 6, तो हो गया 6565 6666। अब 6767 है, तो 6767 है जो हमने लास्ट टाइम 1 से 100 तक लिखा था, तो 6 वाली रो में क्या था, 6767 के बाद 6868, है ना। ये हमें हमारे दिमाग में इम्प्रिंट कर लेना है, बोल बोल कर, लिख लिख कर, है ना, ताकि हम फटाक से लिख सके। तो ये था 6767 और उसके बाद आ गया 6868। अब हमारा एक रो है जिसमें 7474 लिखा है। अब क्योंकि 7 वाला रो है इसीलिए 7 तो आना ही है, लेकिन क्योंकि 4 है तो 4 के बाद 5 आता है। अब जब हम पढ़ेंगे तो हमारे बराबर सीक्वेंस आ जाएगा कि देखिए 7474 7575 7676 के बाद आएगा 7777, तो ये भी रो कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं, आगे 7979 है, तो 7979 वाला ये देखिए, 7979 के बाद 8080। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ, आपको नहीं देखना है, मैं सिर्फ आपको एक सीक्वेंस के लिए आपको दिखाया मैंने ये वाले नंबर्स, लेकिन आपको देख देख कर नहीं लिखना है, ये तो आपकी प्रैक्टिस है बेटा जी। 7979 8080 8181 के बाद 8282 8383 8484, और उसके बाद देखिए एक और सीक्वेंस आया मेरे पास 9191, तो 9191 के बाद 9292, 9393 के बाद 9494, और 94 के बाद 9595 9696।
तो देखा आपने कैसे हमने 9191 का पूरा सीक्वेंस कर लिया। तो बेबीज ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप सारे नंबर 1 से लेके 100 तक आप लर्न कर लेंगे, जो इससे पहले वाले में आपको मैंने सिखाया है 1 से लेके 100 तक का, जो मैंने आपका एक बार सेशन लिया है उसमें मैंने आपको बताया है, जो आपको वीडियो मिला है 1 से लेके 100 तक का वो इसीलिए भी था ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन भी क्रिएट कर सके और बना सके। ये था हमारा मिसिंग नंबर्स 51 to 100। तो चलिए आप इसकी तैयारी कीजिए अभी और इसे बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपको मज़ा भी आएगा और आपके नंबर्स भी लर्न हो जाएंगे। ओके बेबीज़, बाय।